जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के गांव दोताई में खेतों पर भाई को खाना देने जा रहे एक युवक के साथ लूट करने के उद्देश्य से आए बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। गोली युवक की जांग में लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। दोताई निवासी अफसर मंगलवार की दोपहर करीब 3:30 बजे अपने भाई असलम को खाना देने के लिए खेत पर जा रहा था। अफसर का कहना है कि जैसे ही वह निर्माणाधीन गढ़ मेरठ बाईपास के पास पहुंचा, तो सामने से आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने उसे रोक लिया। बदमाशों ने अफसर के साथ लूट का प्रयास किया और 4,000 रुपये की नकदी मोबाइल लूटने लगे। जैसे ही युवक ने लूट की घटना का विरोध किया, तो बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी, जो अफसर की जांग में जा लगी। बदमाश मौके से फरार हो गए। शोर सुनकर आसपास मौजूद किसानों ने लहूलुहान अवस्था में अफसर को देख पुलिस और परिजनों को मामले की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने अफसर को अस्पताल में भर्ती कराया। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अभिनव सिंह पंडीर का कहना है कि मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। फिलहाल घायल को मेरठ रेफर कर दिया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। Okay.